शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। रंगीले, तूने नमक नहीं खरीदा? भूल गया। अभी खाना कैसे पकाएंगे? सब लोग खाओ अभी बिना नमक के, मेरे को क्या करने का है? ए, ले रे। ए, खाली नमक चाहिए ना? हाँ, अभी लाके देता हूँ। जल्दी ला के दे। बेंजी, थोड़ा सा नमक, वो लाना भूल गया। चाय रखिए। हाँ। थैंक यू। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अरे ऐसी मस्त चीज खड़ी है रे किचन में। काम कर, पानी उबाल। बंदर क्या जाने आता है। ये लो। कचरा कितना है। तेरी माँ बहने नाती है, वहाँ झांकने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तो प्याज लेने आया था। प्याज बाथरूम में? नहीं नहीं। कुत्ते! अरे क्या? इसको घर में किसने घुसने दिया? अरे भैया, खाना पकाने के लिए। अब मैं उसको पकाता हूँ। साले कुत्ते, राम सादे, राम सादा साला, आज तेरे ऊपर साले दूसरी बार यहाँ आया तो तेरी टांग तोड़ दूंगा। कमीने साले। रुक। क्या हुआ? पूरा दिन खाना नहीं खाया सबने। क्यों? वो हिडिम्बा के पति ने मार मार के सबको बाहर फेंक दिया और खाने के अंदर घासलेट का पूरा डब्बा भी उलट दिया। भाऊ समझ गया कौन है इसके पीछे। तूने कुछ किया नहीं? मैं जाता तो मुझे भी दो चार पड़ जाती भाऊ। लेकिन मैं नहीं छोड़ने वाला। अब दिखाता हूँ साली को कि मैं कौन हूँ। साली नहीं भाऊ, साला। साले ने मारा इसको। सब जानता हूँ। और तेरे को बिना वजह पीटा उसने? कोई वजह नहीं थी भाऊ। उसने तो आपके माँ बाबूजी को भी चार पांच गालियां दी और मुझे भी चार पांच ठोक दी। उल्टा लगा के देता उन लोगों को। अरे उसी वक्त आपका ख्याल आ गया इसलिए हाथ रुक गया। नाम बोल। राणे। हैं? राणे। और मेरा नाम माथुर। ए घोचू, तेरा पूछा क्या मैंने? हैं? ए सिर्फ राणे? नहीं, जनार्दन विशंबर राणे। अबे थान के ठर्रे, तू क्यों कूदा बीच में? हैं? आपने मुझे मेरा नाम बोलने से मना किया तो मैंने इसका बता दिया। अब ये चाहे तो मेरा नाम बता सकता है। जानवर नहीं करता क्या? कुर्रात साला। उतारिए सब, उतारो। ये जानवर तुले। श्रीमान जनार्दन बिशंबर राणे आज चिड़ीमारी करता पकड़ा गया। कौन कौन है घर में? ए हरामी साले, क्या कर रहे? हट, बंद कर फटक, बंद कर। आपने बोला ये सब उतारो। पैर तो धरने को बोला मैंने तुझे, गुलर के गिरे। पैर तो धरने को बोला मैं तुझे। क्या बोल रही थी मैं? घर में कौन कौन है? मुंह बंद। घर में कौन कौन है? दो बेटे, बीवी
गुजर गई। कब? 30 साल हो गए। लिख जानवर, 30 साल से राणे रणवा है। विदुर। जो भी लिख, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हवस का भूखा रणवा चिड़ी मार बन गया। ये ट्रॉफी यहां कैसे आई? फौरन रख उसे, रख दे वापस। तेरी क्या कहानी है? मैं कुंवारा हूं। अबे बुड्ढे, तेरी शादी नहीं हुई क्या? मैं क्या पूछ रही हूं, तेरी शादी नहीं हुई बुड्ढे? हुई थी एक बार। तो छिपकली के मूत फिर तो कुंवारा कैसे हुआ? मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दिया। वाह वाह, बड़ा कद्दू पे तीर मार लिया तूने। बच्चे? टाइम ही कहाँ मिला, मंडप से ही ठेंगा दिखाकर भाग गई। चलो वो तो बची। बच गई साली, कहाँ है अब? अरे चुप रहे। लेक, जो भी बलात्कार के केस हैं, जिनके मुजरिम लापता हैं, दोनों पे थोप दो 10 सालों पर। इन कुत्तों से कबूल कराना तो मेरी उंगली का मैल है। देख क्या रहे हो, सीधे खड़े रहो। आपके घर से और क्या क्या सामान चोरी हुआ है? गहने सारे चोरी हो गए। उस वक्त रात के कितने बजे थे? रात को 2 बजे। आप उस वक्त सो रहे थे? नमस्ते। यस। एसीपी साहब हैं? हैं। दो लफंगों को तोड़ रही हैं। ओ, नाम क्या है उनका? इंस्पेक्टर बीबी। और इन दो जालिम लफंगों ने 14 साल की नाबालिग लड़कियों के साथ जोर जब कौन है भाई? मैं बस दरअसल है? मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? जी नहीं, मैं पहली बार पुलिस स्टेशन आ रहा हूं। गौरव, आपको मेरा नाम कैसे पता? अरे मैं भवानी भागमार, तुम्हारी पुरानी टोली, पहचान नहीं रहे मुझे? कितनी पार्टियां मनाते थे हमारे छत पे। अरे विकी की बड़ी बहन यार, भवानी। अरे आप चपरासी के साथ भाग गई थी कॉलेज में, फैमिली ने वापस लाया था। अरे क्या यार, ढिंढोरा मत पीट यहाँ पर। कोई बात नहीं, ये बात हम किसी को नहीं बताएंगे। अबे चल चाय चुए वापस, कॉलेज में खड़ा रहे। अका तो देख साले के बीच में बोलता है। भोली भाली लड़की जो चीटी से भी डरती थी, आज जाबाज पुलिस ऑफिसर बन गई। अरे क्या बताऊं यार गौरव, हालात इंसान को पुलिस वाला तक बना देते हैं। लेकिन तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है? कंप्लेंट लिखाने आया है? अरे तू खाली नाम बोल, हड्डियों का विसर्जन करा दूंगी मैं, बोल। नहीं नहीं दीदी, कोई कंप्लेंट नहीं, मैं इनको छुड़ाने आया था। इनसे तुम्हारा क्या रिश्ता है? रिश्ता बोले तो ये मेरे बावर्ची लगते हैं। कौन? ये छल छबीला? सुबह सुबह सब्जी लेने निकला था, मैंने सुना पुलिस ने पकड़ लिया तुम्हें, यहाँ आया। और ये नंगा? नहीं जानता। क्या तू मुझे नहीं जानता? मतलब इतना जानता हूं कि घर का संडास साफ करने आता है। दीदी बावर्ची को छोड़ दो ना। कैसे छोड़ दो यार, अब FIR लिख चुकी है। दीदी भूखा मर जाऊंगा, आजकल लगे बाप मिल जाता है, बावर्ची नहीं। चल ठीक है, तू बावर्ची को ले जा, लेकिन इस अदनंगे को कोठरी में डाल दू। 100-200 उठक बैठक करा दो, उल्टा लटका दो, नीचे से लाल मिर्ची की धुनी दे दो, सस्ते में निपट जाएगा। चल निकल ले, लेकिन आइंदा कॉलेज के सामने नजर नहीं आना, समझे? राणे मुझे अकेला छोड़ गया। ए, खड़े रहे। मैंने तुझे बोला क्या करने के लिए है? नहीं लेकिन जल्दी करूंगा तो जल्दी खत्म होगा, तो मैं उनके साथ उनकी गाड़ी में घर जा सकता हूं। तू आया पुलिस की जीप में, जाएगा एम्बुलेंस में, समझे? तोंदू चल लगा रहे, शुरू कर। गुड मॉर्निंग सर। सर दिस इज आवर कंसाइनमेंट इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट टू UK एंड हिंदी में बात नहीं कर सकते, हिंदी में बात करो ना। नहीं मतलब ये था कि ये जो UK में हमारा कपड़ा जाता है उसके सिलसिले में ये है, तो इसको साइन करना है आपको। हाँ यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है तुम यहाँ रख दो, तुम जाओ। अब पहले मैं कागज घर पे ले जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर साइन करके लाता हूँ, तुम जाओ। नहीं सर ये बहुत अर्जेंट है। तो तुम खुद ही कर लो। नहीं मैं साइन नहीं कर सकता सर। एक साइन नहीं कर सकते, फिर इतना बड़ा कंठ लंगोट पहन के इतनी मोटी पगार क्यों लेते हो? नहीं नहीं
मेरी अथॉरिटी नहीं, मतलब मेरा अधिकार नहीं साइन करने का सर, ये आपको ही करना पड़ेगा। मैं आज व्यस्त हूँ और मेरी मीटिंग भी है, मैं आज साइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को मैं कागज कलम छूता नहीं हूँ। बुधवार को मतलब? जाओ तुम चक्कर मत पड़ो, जाओ 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 जाओ। बुधवार को? हाँ हाँ जी, जाओ जाओ। जाओ ना यार तुम। नहीं नहीं कुछ नहीं सर। सर साइन हो गई। अरे नहीं यार, ये नमूना त्रिपाठी जी को किस मेले में मिला होगा, वो भी रितु के लिए, आधा तीतर आधा बटेर, टोटल बेजोड़। अरे सर, आया जब से चपरासी को भेजकर कुछ ना कुछ खाने को मंगवाते रहता है, अखा दिन चढ़ते रहता है। अच्छा, लेकिन वो कहते ना अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। तो फिर क्या हाथी क्या मोर, सब बने गधे के कदरदान। कहाँ से खरीदा मलबा? वो नीचे है ना पांडे जी, पान वाले। तो पान वाले को बोलो कि पान लगाना छोड़ के वो जूते चमकाना शुरू कर दे। कहते हैं कि पान और ईमान फेरते रहना चाहिए, फिर मटके में बांधे चूने की उंगली को पान पे यूं घुमाना चाहिए, यूं घुमाना चाहिए कि पान ना हो किसी गोरी का गाल हो, है? फिर थोड़ी रातरानी चटनी, थोड़ा नवरत्न किमाम और कत्था, है? कत्था असली अरारोट नहीं। ओए होए, फिर जो पान लगे साला मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए, और उसको नहीं मालूम है पान कैसे लगाया जाता है तो उसको बोलो मैं उसको सिखाता हूँ कैसे पान लगाया जाता है। सर रितु मैडम का फोन है। उनका फोन है तो उन्हें दे, क्या हो मुझे क्यों दे रहे हो? नहीं नहीं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। नहीं नहीं, उनसे बोलो मोबाइल फोन करें। नहीं, आपका मोबाइल लग नहीं रहा है इसलिए मेरे मोबाइल पे किया। तो उनसे बोलो मोबाइल जोर से पटके, या तो मोबाइल को लगेगा या मैडम खुद को लगेगा। आपकी क्या लड़ाई हुई है उनसे? ये पूछना तुम्हारा काम नहीं, लड़ाई हुई उनसे? नहीं, वो बात करना चाह रही है, बहुत अर्जेंट है। देखिए मैं बात नहीं कर सकता, देख नहीं रहे मैं कितना बिजी हूँ? हाँ हेलो। वो जूस पीने में बिजी है। सतगोले से कह रही है अर्जेंट है। अरे जाओ ना यार, फोन क्या मैं सांस भी नहीं ले सकता, जाओ जाओ। वो आपसे ऑफिस मिलने आ रही है। अरे जाकर रहे आप? अरे जाकर, मेरी बात तो सुनिए, अगर वो आएंगे तो मैं उनको क्या बोलूंगा? उससे कहना कुएं में कूद के मर जाए। ये गड़बड़ है। हेलो, ये वो देख वो देख वो देख वो देख। कहाँ से है पैसे? मुझे नहीं मालूम कहाँ से। मालूम नहीं तेरे को? हा? तेरे को मालूम नहीं साच? लेकिन हमको मालूम है, अगर हम मर भी गए ना तब भी ये चिंदी चोर ना हमारे कफन के लिए पैसे नहीं देगा। मालूम नहीं तेरे को? शर्म नहीं आई? दो दिन से हम दोनों ने खाना नहीं खाया, शर्म नहीं है पैसे? अरे तुम दोनों की सौगंध, मेरे को नहीं मालूम है पैसे किधर से। सच कहता हूँ मुझे नहीं मालूम यार, मैं सच कहता हूँ, मैंने अभी अभी पैसे देखे ये। तो ये पैसे कहाँ से है? तुम्हारे माँ का पति जेब में डाल के गया या ऊपर आसमान से गिरा? देख 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 देख, कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी देख कमीने की। इसको बोल जुबान संभाले, मैं इसका सेठ हूँ। अरे सेठ होगा मेरे जूते से, या तो इसने चोरी किया या किसी का पॉकेट मारा है। क्या चिरकुट भांडो की तरह लड़ रहा है तुम लोग सड़क के ऊपर यार? भूख लगी, खाना खाना, पैसा आ गया, खाओ ना यार। नहीं चाहिए मुझे चोरी वाले, नहीं खाऊंगा इन पैसों से। थैंक यू, मैंने इतने साल सबको काम दिया, सबका पेट पाला, सबको अपना बना के रखा, इसके लिए मुझे मिलना ही था बदले। मैं चोर हूं ना, पॉकेट मारू, ये चोरी का पैसा है। हाँ है। चल, तेरे को मैं ये चोरी के पैसे से पानी की एक बूंद भी नहीं दूंगा, और तू इतना याद रखना, आज के बाद तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। बंटे तो मेरी बात तो आज फैसला किया ना, मैंने तो बचपन से फैसला कर लिया था कि अगर मैं मर भी रहूंगा तब भी तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे हाथ का पानी पिएगा ना उसे मोक्ष तक नसीब नहीं होगा। इतने गद्दे और घटिया किस्म के इंसान हो, बच्चों का निवाला चीते हो, शर्म नहीं आती तुमको? बबला चल। सर जी वो देखिए, ककड़ी देख रहे, ककड़ी देख। चाट मसाला होता ना यार, तू खाने का मजा ही कुछ और होता है। सुरत से लाया हूँ मैं, खमंड खाया हूँ, चाट रहेगी हो? क्या बात कर रहे हैं यार। हाँ वरियाली है, मुखवा से निकलना। अरे सुन ब्रदर, चाकू है चाकू,
Yes, there you go. हाँ, उधर पेपर ले। ये लो, ये लो। Okay. और दो तीन ककड़ी। ओके बॉस। वाह, वाह, वाह। अभी इसको कैसे खाने का मालूम है तेरे? नहीं। इसका ऐसा गोल गोल छोटा छोटा टुकड़ा करके ये मसाला लेने का फिर ऐसा छिड़क फिर छिड़कने के बाद अल्फा अल्फा मिला के एक टुकड़ा उठा इसका ककड़ी का हाँ ककड़ी का और फिर इधर रखने का सेठ जी ये गरीब छोकरे को भी कुछ दे दो ना नहीं चोरी का पैसा है ना अपना उससे कुछ खरीदेंगे तो हराम का माल ये बेचारे साधु आदमी को पचेगा नहीं नहीं तू एक काम कर खोपड़ी खा ली अरे जिसके भरे लिए वो पका के खाए नहीं लगने का पैसे वाले गरीब आदमी के मुंह नहीं लगते तू जाने दे तू जाने दे राजा मेरी ककड़ी तुझे कैसी ककड़ी पे मसाला कौन खाएगा शेख का साला ककड़ी पे मनु मनु हाँ क्या हुआ मार डालूंगा साले बाज मरेगा मार डालूंगा तुझे हराम खोर मेरे ही कंधे पे बैठ के मेरा ही काट काटता है अरे रुक अरे तुम लोग क्या देख रहे हो आओ गौरव अरे सच सच बताओ ये रोज कौन है कौन रोज नहीं बताएगा कहाँ से लाया सड़क की भिखारे से सड़क थोड़ा पड़ा है तुझे मैं सच बोल रहा हूँ सच बोल रहा है तू झूठ साला उसने खुद बताया अरे उसके पीछे तू है मैं झूठ क्यों बोलूँगा बताया मुझे वो मैंने बताया था आपको तुम्हें कैसे पता एक ही गैंग के हो क्या दोनों मैं मेरा क्या आप ही जोर दे के पूछ रहे थे तेरे पीछे कौन है तेरे पीछे कौन है क्या घर पे फोन तुमने किया था हाँ फोन मैंने किया था बेबी फूड के लिए और आप तो बस बरस पड़े और हाँ आप रोज की बात कर रहे हो ना उसने एक खत भेजा है आपके लिए वहाँ पर रखा है मर मर कहाँ है जवाब चाहिए ना अभी देता हूँ मनु को कैबिन में भेजना आजा रे आजा आजा चल माफ कर दे पहले कुत्ते की मौत मारो फिर चंदन में घी डाल के जलाओ अरे छोड़ ना यार गलत फहमी हो गई थी ऐसा होता है यार दोस्ती यारी में चल दो चार गाली दे क्यों किसे बोलना यार कुछ काम है अभी हाँ और इतनी गंदी गंदी गालियां कि सुनने वाला उल्टी करता रहे काला इसके अच्छी थी वो मिला के तुझे अंदर की जाने में पूरे लोड़े अंदर अंदर करते हैं जिसकी बहन का पूछे नहीं है नहीं तुझे नहीं लगता कि स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है हर गाली एक ही स्टैंडर्ड की होती है अभी तुझे एक और काम करना होगा मेरे लिए ये जो खत मैं लिखने वाला हूं तुझे उसे इस एड्रेस पे पहुंचाना होगा और वहां से जवाब चाहिए मुझे थोड़ी देर रुकने के लिए बोलेंगे ना तो रुको लेकिन जवाब चाहिए मुझे हाँ ठीक है अरे ये तो शॉप की छोटी लमलक की गोली है पता हाँ यही लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है नमस्कार हाँ जी चिट्ठी है आपके लिए लगता है गौरव ने भेजा है
जवाब अभी हाथों हाथ चाहिए, इसके बगैर मैं पैन नहीं लाऊंगा। दो मिनट रुकिए, हाथों हाथ जवाब मिल जाएगा। थैंक यू। वो अंदर क्यों गई? लंगूर को लस्सी वस्सी पिलाएगी क्या? हेलो, पुलिस स्टेशन। क्या खूब ना मदारियां डम्बू, लेकिन लंगूर कैसे तुम हिला हिला के नाच रहा है। अब तू देख कैसे मैं उसे छने के लाती हूँ। नाम क्या है? कौन है बे? अकल का पुतला, काट का उल्लू, जबान का कीड़ा है? नमस्ते साहब। जो गंदी गंदी गालियों का गाली पत्र लिखता है, वो भी शरीफ औरतों को? यही यही है वो बदमाश, और ये रही चिट्ठी। अरे मैं इश सब साले चींटी के चचेरे भाई, औकात भूल गया? ऊंट की गर्दन खुजाएगा तेरी। मैं उनमें से नहीं हूँ। तो बनवा दूँ? हे हे खड़ा रे, पकड़ो पकड़ो बोने को। बाप रे बाप, लगता है पानी नाक तक चढ़ा है। हाँ तो आने देना, देखते हैं डमरू की जान कब निकलती है। चलो चलो। हेलो गौरव। हाँ? मैं भवानी भागमार, पुलिस थाने से। अब क्या हुआ? फौरन चले आओ, अभी के अभी। कोई प्रॉब्लम है? अरे बोला ना, अभी के अभी बस। ये टपका तो समझ, तू भी टपका। यहाँ से तेरी लाश जाएगी, लाश समझा क्या? तू ये यहाँ कैसे आया? ओ, तो तुम इसे जानते हो? नहीं, मेरा मतलब हाँ, ये मेरे शॉपिंग मॉल में काम करता है। हुआ क्या दीदी? हुआ क्या? तुझे पता है इस लिच्चन ने कितना घिनौना काम किया है? शरीफ घर की औरतों को गंदी गंदी गालियों भरी चिट्ठी दी है इसने, कामजार कमीना। हमें झुका रहे, हिलना नहीं। अच्छा, और इतनी मोटी मोटी गंदी गालियां के बोलने में पुलिस तक शर्मा जाए, और जब मैंने पूछा तो कुत्ता बोलता है चिट्ठी बॉस ने दी थी। हाँ? मैंने कब? तुमने गटर बंद कर, चुप चुप, गद्दे के कपास की तरह धूं तुझे एक बार। दीदी दीदी एक मिनट, खड़े रहा वहीं पर। एक सच बात बोलूं, असल में इसको एक बीमारी है। तो जन्म घुट्टी पिला दूं, दो घूंट मुंह के अंदर और जान पीछे के नीचे से बाहर। इधर एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ती, तेरा पड़ोसी, तेरा बावर्ची, तेरा नौकर, सब साले औरतों के पीछे छुट्टे सांड है क्या? हैं? नहीं, दरअसल इसकी माँ पड़ोसी के साथ भाग गई थी, तब से इसका ये हाल है। मेरी तेरी माँ की बात ना करे, वरना ज़बान खींचकर बाहर फेंक दूँगी। हाँ। दीदी प्लीज, ये बेचारा कुछ समय तक पागलखाने में था, हम स्कूल में साथ थे इसलिए काम पे रख दिया, वरना आगे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ। हिले, अगर मैंने सुना ना कि तूने औरत क्या औरत के पुतले की तरफ भी आंख उठाकर देखा है ना, तो मैं तेरी आंखों में सुलाखें घुसा दूंगी। निकल ले। अरे बेवकूफ, मेरी इज्जत का फलूदा बनाया तूने। मैंने? तुमने जो खत के ऊपर पता लिखा था ठीक वही जगह पे गया था मैं। और खत के ऊपर मैंने फुटबॉल जैसे बड़े बड़े अक्षरों में नाम लिखा था रोज। अरे खत देने से पहले पूछना तो चाहिए था कि वो रोज है या कोई चमेली। नहीं, अरे तू जैसे बेवकूफ को भेजने के लिए मेरे मुंह पे चप्पल मार दी। चलिए हटिए हटिए हटिए, साइड में हटिए, मैडम को आने दीजिए। आइए मैडम आइए, चलिए, टेक इट इजी, साइलेंस। हीरो ये बैग मुझे दे दीजिए। आइए आइए आइए, यहाँ वहाँ देखिए, आइए 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 आइए। ये मेरा रूम है, अब ये आपका रूम है। और मैं तहखाने में रहूंगा। Are you sure? Yeah, sure, 100%.
और मैं खुद ही मिल लेता हूँ। ये लेडीज बाथरूम है, इसे आप इस्तेमाल करिए। और ये जो है, आप एक काम करिए, मैंने आपको आपका रूम बताया ना, आप जाके आराम करिए। ओके, किसी भी चीज की जरूरत है, किसी भी चीज की, हटिए हटिए, मुझे याद करना, ठीक है? मुझे बुलाना। ओके ओके ओके, थैंक यू कि आप आते हैं, हीरोइन है हमारी। ए फैले ले, इस लड़की को हम लोग से भी तो मिला, अपनी असलियत और हमारी असलियत भी तो बताओ उसको। जितना बताना था बता चुका उन लोगों को तुम्हारे बारे में, इससे ज्यादा उम्मीद मत रखना मुझसे। पड़े आए, मुंह उठा के चल पड़े। हाथ ला, मान गया, ये लड़की चलेगी हीरोइन के लिए चलेगी। लेकिन एक बात बताया, तू ये लड़की को कहां से उठा के लाया? उठा के, उठा के नहीं लाया, मेरे मामा की खास दोस्त की बेटी। हाय रूपा, ना लिया? रूपा, तेरा मामा यहाँ लंदन में? क्यों, कमाल है, तेरा खानदान बोरीवली के बाहर नहीं निकला और लंदन में मामा? चलना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर वो मेरी हीरोइन है तो। आपको कोई दिक्कत है? क्या 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 बोला? दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत है। सेठ जी, मेरे मामा के खास दोस्त ने ये कहा है कि मुंडी उसी प्ले में काम करेगी जिसमें मैं हीरो हूँ, और साथ में ये भी कहा है कि वो खाएगी पिएगी मैं जो खिलाऊंगा उसको, उसका ध्यान मैं रखूंगा, और साथ में ये भी कहा है कि वो किस चीज से बात नहीं करेगी। सेठ जी, आप ये होने नहीं देना, ये आप होने नहीं देना, ये एक हीरो से हीरो का काम छीनना चाहता है सेठ जी, ये इसकी साजिश है। मेरी साजिश है, मैं साजिश कर रहा हूँ सेठ जी। सेठ जी, मैं लोगों के रोल काटता हूँ, इसका भी काट दूंगा। सेठ जी, कभी आपने सुना है कि एक विलन हीरो के लिए हीरोइन लेके आता है? कभी आपने सुना है? अरे विलन वो होता है जो हीरो के ताबे से हीरोइन को उड़ा ले जाए। बस तो हो गया फैसला, बस हो गया फैसला, आज से तू विलन, मैं हीरो, खत्म खत्म खत्म। अबे ओए गुप्त ज्ञान, तू फैसला करने वाला होता कौन है? अरे क्या कर रहे हो यार? सेठ जी, आप फैसला करिए, आप फैसला करिए, हीरोइन ढूंढने जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, क्या बोला? ए, क्या बोला भाई? मैं बोलता हूँ कि तेरे को ये विलन बनने में जाता क्या है यार, दो फाइट से ना इसको लात भी मारने को मिलेगा, बन जाना। मगर इससे पहले जितनी बार भी नाटक हुआ है मैं हीरो रहा हूँ ना, तो इतनी बार हीरो बन चुका है ना। अरे लेकिन ये मुंडू हीरो लगता है क्या? अभी अक्कल छक्कल की बात मत करो, वरना मुझे कोई तीसरा ही लड़का ढूंढ के लाना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था भाई, अरे मैं सुन चुका हूँ यार, मैंने पहले ही कहा था कि जो लड़की लेके आएगा वो हीरो बनेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। बस बोल, अभी तो विलन बनेगा कि नहीं? टाइम वेस्ट मत कर, तू विलन बन। क्या हुआ नाखून को? चलो भाई, लोंडे ने फैसला कर लिया, चलो भाई, चलो चलो अपने अपने घर, चलो 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 चल भाई, वो बाथरूम में जाके ब्रश कर, चल 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 भाई। ओके, बाय 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 बाय। नाटक में तो नहीं, लेकिन इसकी असली जिंदगी में मैं विलन बनूंगा। क्या देख रही हो? कितना सुंदर है ना। क्या ये दो अंशों का जोड़ा? नहीं, पानी कितना गहरा होगा? मैंने उतर के नापा थोड़ी है, अंदर कूदूंगा तो पता चलेगा। मैं कूद कर देखूं? क्या आपने कहा था कि गहरा है, मैं कूद कर देखती हूँ। गहरे ठंडे पानी में कूद जाऊंगी तो गर्म सांस धीरे धीरे ठंडे पानी में पिघलने लगेगी, फिर कुछ देर बाद शरीर अपने आप तैरने लगेगा और लहरों के सहारे वो बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा, बहता ही जाएगा। ए, चल अंदर जा, अंदर जा। और दिल नहीं था तो बता देते, मारा क्यों? अरे तू चुप रह, तेरी हड्डियां बट्टियां साबित छोड़ दी, ये बहुत बड़ी बात है। चंदर, अरे क्या हुआ? अरे पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चार्ज कब? ये कुछ नहीं मालूम, तू चुप रह। संगम थिएटर में फिल्म देखने गया था ये। संगम थिएटर में? वहाँ तो अमित जी की पिक्चर लगी है ना। अमित जी की टिकट मिलेगा प्लीज? मिल जाए थिएटर। इसके पहले टेप लगा दो, टेप लगा दो। क्या हो गया ना, सर में बहुत ज्यादा चोट लगी है इसलिए मुँह फ्री हो गया है, तो बहुत ज्यादा बोलने लगा है। ज्यादा मार लगी है, चिपका दो पूरे मुँह पर। तो अपना मुंह बंद कर, ज्यादा बोल मत। हाँ लेट जा, लेट जा। ये है ना अपना प्यारे अमित जी की ब्लैक पिक्चर देखने गया, पिक्चर छोड़कर और टिकट ब्लैक करने लगा, बाद में पुलिस ने धो डाला। मुझे तो लगता है ने औरतों ने मारा है। देखो 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 देखा, डॉक्टर फ्लोरा का जजमेंट, उन्होंने भी पहचान लिया कि तुझे औरतों ने धोया है। क्या हुआ, औरतें अमित जी की ब्लैक पिक्चर देखने आई, ये मूर्ख आदमी औरतों को ही ब्लैक करने लगा। तब तो इसे और मानना चाहिए था। ब, 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 क्या है ना, ये अपना बहुत प्यारा शागिर्द है, बहुत गरीब आदमी है, बहुत मारा औरतों ने, और मैं फोन करूंगा अमित जी को, अगर वो माने तो ठीक है, नहीं तो उनके कपड़े सीना बंद। चंदर मुझे अमित जी से मिलवाओ ना, ये मेरे ड्रीम बॉय है।
ड्रीम बॉय, लाइव बॉय तो सुना था, ड्रीम बॉय क्या होता है? चंद्र मुझे मिलवाओ ना अमित जी से। मिलवाऊंगा, प्लीज मिलवाऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। कौन सा काम? तुम्हें तिल दिखाना पड़ेगा। तिल? हाँ, मेरी किस्मत का तिल। अगर वो तुम्हारे पास मिल गया तो मैं राजा बन जाऊंगा, राजा। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाऊं? ये टूटे तो चुपचाप लेटा रहे, मैं समझाता हूँ तुम्हें। कान लाओ। अगर तुम्हारी दाहिनी जांघ में मुझे तिल मिल गया तो हम आजादी कर लेंगे। आज तो फ्लोरा को पटाक के तिल देख ही लेता, लेकिन साला जीवा बीच में आ गया, नहीं तो बात बनी गई थी। कैंची तो तुमसे चलती नहीं, जबान ही चलानी पड़ेगी ना। टूटे जबान है तो चलेगी ही। अरे जो भी हो गुरु, तुम फेंकने में बहुत उस्ताद हो। तो लो तुम्हें फेंकी देता हूँ।